देश में कोरोना वायरस के मामले जिस रफ्तार से सामने आ रहे हैं उससे अधिक रफ्तार से लोग ठीक भी हो रहे हैं और यही वजह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 70 लाख के पार हो गई है, लेकिन 60 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए हैं। सीबीआई ने हाथरस कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। इस मामले में योगी सरकार ने केंद्र से सिफारिश की थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए सीबीआई की लखनऊ यूनिट इस मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर पूरी तहकीकात शुरू करेगी। आपको बता दें कि इस मामले में प्रदेश सरकार ने 3 अक्टूबर को सीबीआई से जांच कराए जाने का फैसला किया था। कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की तरफ से किए गए एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं इन चारों के पास से सुरक्षा बलों ने AK-47 बरामद की है। इसी के साथ पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में हथियार और गोला बारूद भेजने की कोशिश को भी सेना ने नाकाम कर दिया है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके लिए उन्होंने CJI को एक पत्र भी लिखा है। जगमोहन रेड्डी की माने तो सुप्रीम कोर्ट में नंबर 2 जज NV रमन्ना पूर्व सीएम चंद्रबाबू के साथ मिलकर सरकार गिराने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए दोनों ने कई तैयारियां भी की हैं। ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए बड़े सुधार की कोशिशों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन से SMS से प्राप्त होने वाले लिंक से ही संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर कोरिया के वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया यानी WPK के 75वें स्थापना दिवस के दौरान शासक किम जोंग उन ने कोरोना को लेकर ये दावा किया है कि उनके देश में एक भी कोरोना वायरस का केस नहीं है। सैन्य परेड संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वो जनता का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके देश में कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। कोरोना वायरस संकट के बीच चीन के इशारों पर काम करने के आरोपों में दुनिया भर में घिरे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिए जाने पर चीनी मीडिया भड़क उठा है। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने यहां तक कह दिया है कि नोबेल शांति पुरस्कार बेकार हो गया है और उसे बंद कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कोतवाली इटिया थोक क्षेत्र के तिर्रे मनोरमा में मौजूद श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी को बीती रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसकी वजह से पुजारी अतुल बाबा उर्फ सम्राट दास गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दीपावली पर लखनऊ और दिल्ली में ट्रेनों की वेटिंग से परेशान यात्रियों का तेजस एक्सप्रेस स्पेशल में फिलहाल रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे के निजीकरण की तैयारियों के बीच कॉर्पोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का भविष्य उसकी सीटों पर अगले कुछ दिनों की बुकिंग तय करेगी। कोरोना की वजह से तेजस में एक सीट छोड़कर ही दूसरी सीट के बुकिंग का नियम लागू किया गया था। ऐसे में बची हुई 50% सीटों की डिमांड कम होने की वजह से ही ट्रेन के संचालन पर ब्रेक लगा हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने IPL के 13वें सीजन पर अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर टीम को चेन्नई के खिलाफ शानदार जीत दिलाई है। कोहली ने नाबाद 90 रनों की पारी खेली और टीम को 37 रनों से जीत दिलाकर चेन्नई के खिलाफ अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा लिया है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।